प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता की संस्कार के लिए अहमदाबाद में मौजूद हैं और तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पश्चिम बंगाल में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, उसकी एक वानगी है, देखिए तस्वीर में दिखा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसे अब से कुछ ही घंटों के बाद हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना करना था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये रवाना करना था। ट्रेन बिल्कुल सजधज कर तैयार है। इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैग ऑफ का। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यहाँ तैयारियाँ देख लीजिए किस तरीके से भव्य तैयारी की गई थी। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वरदान माना जा रहा है। और जगह जगह पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारम्भ करना था। और बकायदा इसके लिए देखिए ये तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ कि बकायदा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही नहीं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, नमामि गंगे को लेकर अहम बैठकों का दौर था, जो का तारातला मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करना था, शक्तिगढ़ रेलवे लाइन, डानकुनी, न्यू मधनागुड़ी, गुमनीहाट दोहरीकरण, ये वो परियोजनाएँ हैं जो कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट का गेट द्वार जो गेटवे है उसको इससे मजबूती मिलती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का देहांत हो गया, थोड़ी देर के बाद उनका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक वो तमाम परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए वो उसमें बाकायदा शामिल होंगे, उसमें उनकी भागीदारी होगी, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, कर्मयोगी, तो वो इसका एक आप नायाब उदाहरण पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत के फ्लैग ऑफ करने का, जो कहा जा रहा है कि न केवल सामरिक बल्कि आर्थिक और कई मायने में नॉर्थ ईस्ट के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए वरदान साबित होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।